सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द ग्रोइंग लाइफ। और मैं आपके साथ आपके दोस्त यशवर्धन। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, होली का चल रहा है टाइम, है ना भाई? होली का चल रहा है टाइम। तो बस आज हम होली का सामान ही लेने जा रहे हैं। मतलब हम चार पांच दोस्त जा रहे हैं सदर बाजार, जो कि आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। तो हमें बुला के अभी लाइन तो काफी सारे, मतलब काफी सारे लेंगे, क्योंकि चार पांच दोस्त जा रहे हैं सबके लिए। तो हमने सोचा कि यार अब हम सदर बाजार तो जा ही रहे हैं होली की शॉपिंग करने, तो मैंने कहा यार इसका व्लॉग बनाते हुए चलते हुए, मस्ती मजाक करते हुए, ठीक है? तो चलिए फटाफट, मतलब ये लोग मेरे घर से सदर बाजार बहुत पास है, तो ये लोग घर की साइड ही आ रहे हैं मेरे, ठीक है? तो फटाफट रिक्शे में बैठेंगे और चलेंगे आपको लेके सदर बाजार, ठीक है? और आपको हर पहले सदर बाजार पूरी मार्केट तो दिखा सकता है, बट हाँ, जिन जिन गलियों में हम जाएंगे वो गली में आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है? मतलब सदर बाजार में काफी सारी चीजें मिलती है, तो सीजनल काम बहुत होता है सदर बाजार में, ठीक है? तो चलिए फटाफट चलते हैं सदर बाजार की तरफ और लेते हैं रंग, काफी सारे गुलाल रंग, मतलब देख लेंगे, गुलाल तो पक्का लेंगे रंग भी लेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए, चलो सदर बाजार की तरफ चलिए। तो दोस्तों, हम लोग बैठ गए हैं रिक्शे में और हम लोग जा रहे हैं सदर की तरफ। आप देख सकते हो मेरे साइड में बैठे संजय भाई और सामने बैठे अमन और कुणाल। मैं आपको इन दोनों को दिखाता हूँ, देखिए। तो दोस्तों, मैंने कैमरे को घुमा दिया है और आप सामने देख सकते हो अमन और कुणाल। अमन को तो आप जानते होंगे, आपने पहले व्लॉग में देखा होगा, और कुणाल को शायद देखा होगा। और आगे बैठा है हमारा पवन, कार्टून आप देख सकते हो, तो मैं इसको आगे बिठा देता। तो हम लोग जा रहे हैं सदर की तरफ और ये देखिए संजय भाई मुस्कुराते हुए अलग ही सेंटर फ्रेश चबा रहे हैं। तो रिक्शे में तो हम लोग बैठ ही चुके हैं, तो हमें बस 5 मिनट लेंगे फिर हम पहुंच जाएंगे सदर। आप मिलते सीधे सदर में आइए। तो दोस्तों, रोड पे भारी जाम लगने के कारण इन्होंने आधा रास्ता कर दिया है बंद, तो इसलिए हम उतर गए हैं सदर चौक से पहले। तो मैं आपको इन गलियों में से लेके चलूंगा और आपको इन गलियों की भी मार्केट दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी। जैसे कि आप सामने की तरफ देख सकते हो, ये है आर्टिफिशियल फूल, मतलब देखने में तो भाई बहुत रियल लग रहे हैं और देखने में लग भी बहुत खूबसूरत रहे हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर वैरायटी के आर्टिफिशियल फूल मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली यार हम लोग आ गए हैं सदर बाजार और आप देख सकते हो मेरे साथ अमन जसाना भाई। क्यों है अमन भाई, तो कैसे हो आप लोग? तो हम लोग आए सदर बाजार अपने कलर्स वगैरह लेने और कुछ साथी आगे चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो संजय भाई पीछे हो जरा, एक बार इधर आओ। तो आप देख सकते हो संजय भाई भी आ गए हमारे साथ और ये मिनाटी विनाटी चल रहा है आगे की तरफ, तो तेरे को दिखाई नहीं रहा है। ये देखो आए ना अपना भाई ने पीछे, और कुणाल भाई भी, कुणाल भाई इधर आओ, कुछ भी हो जाए। तो और कुणाल भाई भी हमारे साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी सदर मार्केट, जो कि आज बहुत भीड़ भड़क है, ठीक है? तो आइए चलते हैं सदर मार्केट की तरफ, चलिए। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत जान चाह रहा था, ये जो बंदा है ना मिनाटी, इसने आज सुबह सुबह बहुत टाइम लगा दिया, लेट कर दिया हमें, ठीक है? तो इसका इसका गवाह अमन, अमन अमन जरा सच बताइए, किसने लेट कराया आज? मैं यार, ये है ना कार्टून, इसकी कार्टून बनती खत्म नहीं होती। तो भाई पहुंचने बहुत लेट कराते हैं, वरना हम सुबह सुबह आके काम कर जाते हैं यहाँ पर, मतलब सामान ले जाते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो अमन भाई, हम लेने के आए वैसे आज? आए हम यार लेने, गोलियों जय महाकाल। देख रहे हो ये तेरी जा भाई, भाई देखो होली का सीजन चल रहा है, तो अब मैं आपको ना, तो अब मैं आपको ना यहाँ पर सामान दिखाता हूँ। अच्छा यार, तो अब मैं आपको यहाँ पर सामान दिखाता हूँ भाई। मतलब सदर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, सबको पता होगा, ठीक है? तो चलिए हम जो यहाँ पर काफी सारी चीजें भी मिलती है, उसके अलावा मतलब कलर्स वगैरह के अलावा भी, तो आपको सब दिखाता हुआ चलता हूँ। अगर आपको कभी आना हो तो आप यहाँ पर लेने के लिए आ सकते हो, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और कैमरे को घुमाते हैं पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं सारी यहाँ की मार्केट, यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, गलियों से निकलने के बाद अब मैं आ गया हूँ सदर की मेन मार्केट में, जो कि सदर चौक से लेफ्ट मुड़ते ही आती है। आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा भीड़ है, मतलब होली का सीजन तो चल ही रहा है भाई। ये सदर मार्केट पूरी सीजनल है, मतलब इसको ऐसे ही एशिया की सबसे बड़ी मार्केट नहीं कहते होलसेल की। आप देख सकते हो, मतलब यार पैर रखने की जगह नहीं है, कितनी ज्यादा भीड़ है। तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ है आज, तो मैं आपको ना पीछे का एरिया भी दिखाता हूँ कि यहाँ से बैक साइड, मतलब बैक साइड भी बहुत ज्यादा भीड़ है। और आप देख सकते हो, मतलब ये पूरी पटरी लगी रहती है यहाँ पर, आपको यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी। फिलहाल अभी तो यहाँ पर होली का सामान बेचा जा रहा है, क्योंकि होली का सीजन है, तो इसलिए होली का सामान बेचा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया दिए, सीजनल मार्केट है पूरी। तो हम काफी आगे आ चुके हैं और आप देख सकते हो मैंने कैमरा को कर दिया पीछे की तरफ। ये देखो, मतलब आगे जितनी भीड़ है उतनी भीड़ पीछे भी है, और ये देखिए पूरी सदर मार्केट है। मतलब भाई आज तो मतलब हालत खराब होने वाली है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं अपना सामान जो कि हमें लेना है। दोस्तों, हम चलते चलते काफी आ चुके हैं आगे और अमन के पैर पे किसी ने रख दिया था बहुत जोर की पैर। तो आप देख सकते हो अमन भाई थोड़ा अपसेट हो गए, पर मैंने उनको बता दिया कोई नहीं यार, सदर मार्केट है भाई। तो दोस्तों, यार बाहर बाजार में हो रही थी बहुत भीड़ और हम आ गए फिर से अंदर गलियों की साइड, और आप देख सकते हो सामने की तरफ होली का माता लगाई है। मतलब मैंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ में पहली बार ऐसी होली का माता देखी है, मतलब इतना खूबसूरत सजा रखा है। आप देख सकते हो चारों तरफ इन गली वालों ने पूरी लाइटिंग वगैरह, बलून्स वगैरह लगा रखे हैं। अमूमन देखोगे आपको होली का जलती हुई दिखेगी, तो आपको चारों तरफ लकड़ियां भी दिखेंगी। यहाँ पर लकड़ी के साथ साथ मूर्ति भी लगाई हुई है,
जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों हम चलते चलते आगे आ ही रहे थे और हमें यहाँ पर दिख गई एक शॉप पिचकारी वाली, तो हम यहाँ पर रुक गए क्योंकि अमन ने कहा था कि यार मेरे को अपनी भतीजी के लिए एक पिचकारी लेनी है छोटी सी, मतलब टैंक वाली, तो इसीलिए हम रुक गए। तो मैं आपको पिचकारी भी दिखाता हूँ, यहाँ पर काफी सारी पिचकारी है, देखिए। तो सबसे पहले मैंने उठा ली है पिचकारी और ये पिचकारी है गन जैसी। यार मिक्की माउस वाली सही लग रही है ना कृष्णो के लिए, छोटा बच्चा यार उसके लिए सही है, टांग लेगा पीछे। चलो ये लो भैया, ठीक है, दिखा दे। हाँ तू भी कार्टून से कम थोड़ी है, ये मेरे लिए भाई। पहले बता तू कार्टून से कम है। अमन भाई आपने कौन सी गन ली है, अपने बच्चों के लिए? हाँ यार ये है ना मेरा बच्चा जा रहा है, ये कार्टून उसके लिए ली है। तो दोस्तों अमन भाई ने अपने भतीजे के लिए पिचकारी ली है टैंक वाली, जो आप देख सकते हो मिक्की माउस की, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो हमने कहा चलो भाई मिक्की माउस वाली ले लो, क्योंकि बच्चों को मिक्की माउस पसंद ही बहुत है। तो आप देख सकते हो सामने की तरफ अमन भाई दिखा रहे पिचकारी, तो हमने पिचकारी तो ले ली है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ अपने गुलाल लेने के लिए, जो कि हम मेन लेने आए हैं। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए गुलाल वाली शॉप पर, आप देख सकते हो जितने भी पैकेट रखे हैं इसके अंदर, ये सारे हम ही लेके जा रहे हैं क्योंकि भैया के पास अभी बस इतना ही है। तो भैया ने कहा अभी आप यही ले लो हमसे, तो हमें और भी काफ़ी गुलाल के पैकेट चाहिए तो वो हम लेंगे बाहर से, ठीक है। तो हमने गुलाल पैक कर लिए हैं अपने बॉक्स में और भैया को दे दिए पैसे, आप देख सकते हो सामने की तरफ हमने भैया को कैश भी दे दिया है। तो फटाफट अपना कार्टून उठाते हैं और चलते हैं हम आई की तरफ। तो दोस्तों फाइनली यार अंकल की शॉप से अपने गुलाल के 20 पैकेट लेके हम लोग निकल चुके हैं बाहर की तरफ और हमने जो कार्टून है वो पकड़ा दिया अपनी कार्टून को। तो देख सकते हो आप हमारा वेलदार झाड़ी पे जा रहा है डब्बा लेके, तो भाई ये बहुत बोल रहा था तो हमने कहा तू ही पकड़ अब कार्टून और तू ही लेके चला के, क्योंकि यार थोड़ी देर में अभी भारी होने वाला है क्योंकि हम और भी सामान लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं मेन मार्केट में बाहर की तरफ और लेते हैं अपने गुलाल। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं फिर से मेन मार्केट में और आप सामने देख सकते हो किसी ने गन में कलर वाला बॉम्ब लगाए कर दिया है फायर, जो कि देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़िया ब्लू देख सकते हो भाई, मतलब पूरी मार्केट में कोई ना कोई करता ही है तो देखने लगती है बहुत ज्यादा बढ़िया पूरी सदर मार्केट। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग मेन मार्केट में थे तो हमें एक भैया दिखे जिन्होंने हमें गुलाल का सही मतलब सही प्राइस में दे दिए गुलाल, तो हमने इनसे लिए हैं टोटल ए पैसे, सबसे पहले तो लिए हमने 18 पीस और फिर हम इनसे 20 पीस और कराएंगे, जो कि भैया आप देख सकते हो भैया निकाल रहे हैं हमारे 20 पीस। तो हमें यहाँ पर प्राइस बहुत अच्छा मिल गया था गुलाल का, आप यहाँ पर आओगे तो आपको गुलाल का प्राइस मतलब हर चीज़ का प्राइस आपको, अगर आप ज़्यादा लोगे मतलब वही होलसेल वाली चीज़ होती है 12 पीसेज जो होती है, तो आपको उस हिसाब से मतलब जितने ज़्यादा जितना ज़्यादा सामान लोगे उतने कम आपको पैसे कर देंगे। अच्छा भैया मिलते हैं। दोस्तों भैया को बाय बोल के हम लोग निकल चुके हैं आई की तरफ अपना और बाकी बचा हुआ सामान लेने के लिए। तो दोस्तों हम आगे चल के आ रहे थे कि मन की नजर पड़ गई भैया के स्टॉल पे, तो जो आप सामने देख रहे हो ये है ग्रीस, एक है सिल्वर ग्रीस और एक है गोल्डन कलर की ग्रीस। तो इन लोगों ने भी सोच लिया कि भाई थोड़ी ग्रीस तो लेंगे, मतलब आपको पता ही है यार ये गुलाब सिल्वर गोल्डन करके रहेंगे दोस्त यार, ठीक है। तो आप सामने की तरफ देख सकते हो भैया ने हमारी आधी किलो कर दी है गोल्डन वाली ग्रीस, मतलब इन्होंने लिया आधी किलो गोल्डन ग्रीस और आधी किलो लिया सिल्वर वाली ग्रीस। तो भैया ने गोल्डन वाली हमें कर दिया है पैक और आप देख सकते हो भैया ने निकाल लिया अपने हाथ में पॉलीथीन और भैया आप डालेंगे इसमें सिल्वर वाली ग्रीस। तो भाई मैं तो कहूँ कि आप लोग इसको अवॉइड ही करना, लेकिन ये मेरे दोस्त यार है ये नहीं मानते हैं, ठीक है। और खास कर अमन इसका तो बड़ा मन था कि भाई सिल्वर करेंगे दोस्तों को, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब कदमों को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे, आइए।
तो दोस्तों सामान लेके मैं निकल रहा था सदर बाजार से बाहर की तरफ और यहाँ मुझे मिल गया मेरे बचपन का दोस्त पंकज। तो पंकज की भी यहाँ पर दुकान लगती है लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई थी, ठीक है। तो पंकज को हम प्यार से बुलाते थे सांडी, तो हमारे इसका जो निकनेम होता है गली का वो उसका नाम था सांडी। तो सांडी भी यहाँ पर कलर वगैरह बेच रहा है, आप देख सकते हो सामने की तरफ इसके हाथ में रंग और जो पवन वाले बलून है वो भी हमें सांडी ने दिलवाया सस्ते रेट में। तो भाई बहुत अच्छा लगा यार, मेरा बचपन का दोस्त मुझे सदर मार्केट में मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं व्लॉग को आई की तरफ और सांडी को करने देते हैं उसका काम और हम निकलते सदर मार्केट से। तो दोस्तों सदर मार्केट से हम लोग आ गए अमन के घर पे अब सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन भाई पवन ने कर दिया मुझे गीला। तो हमारी होली हो गई शाम से चालू, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भिगो के रहूंगा पूरा। आज दिन तो यार वीडियो बनवाया तो बैठा हुआ है ना। तो गाइस तैयार हो चुके हम कल के लिए, जैसे कि आपको पता होगा हम कल खरीद के लाए हैं अभी सदर से। तो ये भतीजे के लिए लाए थे अमन, पिचकारी तो हम चेक करके देख रहे हैं। तो पवन को मैं भिगा चुका हूँ, देखते पहले नहीं पहले इसमें को दिखाओ, पहले इसने मुझे भिगा दिया बहुत अच्छे से, तो मैंने भिगो दिया। मैं तो पवन को चेक कर रहे हैं। तो आप अमन दिखा तो दे कितना भीगा है यार तू, है आप नहीं मार रहे दिखा दे। तो अच्छा भीगा है तू, देखो क्या होता है ना कि हम दोनों में चलते हैं, हम दोनों ही भीगे हैं। मैं कुछ कर, हाथ में पानी है भाई। संजय भाई को चेक कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं अमन की तरफ, जो कि अमन भाई ले आए दूध और अब बनाएंगे वो चाय हमारे लिए। आइए। तो दोस्तों आप सामने तरफ देख सकते हो जैसे कि अमन भाई भाग भाग के दूध लेने गया था हमारे लिए, और वैसे ही अमन भाई लाया हमारे लिए बना के चाय। तो चाय रख दी है हमने, चाय की प्लेट रख दी है अमन भाई ने 5 कप, और आप सामने देख सकते हो कि कार्टून के हाथ में है गुजिया मट्ठी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो भाई फूल एकदम कहते हैं ना कि अपने बढ़िया करके नाश्ता करके जाएंगे अमन भाई ये घर से, ठीक है। तो चाय तो है ही, और ये सामने आप देख सकते हो, ये देखिए बिस्कुट गुजिया मट्ठी और छोटे छोटे समोसे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने अपने चाय के कप को उठा लिया है और कर लिया है चेयर्स, और अब ले रहे हैं हम सारी चाय की चुस्कियाँ। आप देख सकते हो सामने की तरफ संजय भाई फुल मुस्कुराते हुए, मतलब संजय भाई की ऐसी रुकती नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट चाय की चुस्की लेते हैं और चाय करते हैं ख़त्म, और फिर बनाएंगे व्लॉग को आगे, मतलब व्लॉग को आगे क्योंकि फिर आपको सारी बताऊंगा मैं डिटेल्स। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो कि चाय के कप और प्लेट हो गई पूरी खाली और पेट की भूख मिट गई है बहुत अच्छी वाली। तो आज की ट्रीट थी अमन भाई की तरफ से। तो दोस्तों यार सदर से आके अमन भाई घर पे चाय वाय पी ली, और हमने हिसाब भी के लिए गुलाल का, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हम खुद दुकान लगाने के लिए ला रहे हैं गुलाल, इतने सारे गुलाल लिया हम, कम से कम कितना पैकेट लाएंगे बोलो, इतने पैकेट लाएंगे पहले गोली दो। तो ये गोली तो प्रथा थी, जय महा। तो अब मजाक सर के, वैसे हमने आधे घंटे के लिए बंद कर रखी थी, नहीं नहीं व्लॉग हो गया ना। तो हम लोग दोस्तों कम से कम 50 पैकेट लाएंगे, और सच बोल रहे हैं 58 पैकेट, जो हमें डब्बा दिखा होगा 58 पैकेट गुलाल लाए। तो देखा तो चार पिछ कर दी, हाँ जिसका ब्लॉग बना नहीं पाया, और टी शर्ट वगैरह भी, तो मतलब बहुत सारा सामान लिया है। और आपने देखा होगा होली है कल, ठीक है, आज आज छोटी होली है जो कि हम जिसे आज प्रॉपर होली होती है आज पूछने वाले। तो लेकिन पवन और मैंने शाम से होली स्टार्ट कर दी थी, आपने देखा होगा पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना हमने पानी वानी के साथ। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग करता हूँ एंड, होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग में मिलते एक नई जगह के साथ, एक नए आनंद के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो शायद जाऊंगा तो बता दूंगा।